that makes it evident the difference between Sarkar and Sangathan. Now, BJP's report on UP seat decline has been accessed and vote bank decrease has also been cited as a reason. BJP's Thakur vote bank shrinks. That is one of the assessments. Then there's sliding BJP's Yadav votes as well. And Vinod continues to be with us on the broadcast. Vote bank ka bhi zikr hua is report mein. Aur is report ke mutabik, jo Thakuron ka vote hai aur jo Yadavon ka vote hai, wo Bharatiya Janata Party ke paksh mein utna nahi gaya, jitna ki ummeed thi. देखिए, इलेक्शन से पहले ही पूरे देश में ठाकुर लॉबी ने एक माहौल बनाना शुरू किया था. वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था और इलेक्शन में भी वो कुछ वैसा ही बना रहा. जिस तरह सपोर्ट की उम्मीद थी बीजेपी को, उस तरीके से नहीं मिला. यादव बीजेपी के पास पहले भी नहीं था. गैर यादव ओबीसी जरूर बीजेपी के पास आता था, लेकिन इस चुनाव में देखा गया कि जो गैर यादव ओबीसी है और दलितों में जाटों को छोड़ के बाकी जो गैर जाटो दलित है वो भी बीजेपी से हट गए, चिटक गए और यही सबसे बड़ा डैमेज था बीजेपी के लिए. तो एक ऐसे वोट बैंक जो 2014 में बीजेपी के साथ जुड़ा था और लगातार उस वजह से देश में, उत्तर प्रदेश में सरकारें बन रही थी, वो 2024 में बीजेपी से चिटक गया और यही एक बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए रहा. और चुनौती बीजेपी के लिए यही है कि अब इस वोट बैंक को वो कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि जो हालात उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव एक ओबीसी नेता है और उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जहां पे जो माइनॉरिटीज वोट बैंक थे वो बिखरा नहीं, उनके साथ इंटैक्ट रहा. तो अगर अखिलेश ओबीसी को इंटैक्ट करते हैं, कांग्रेस की वजह से मुस्लिम से इंटैक्ट रहता है इंडिया गठबंधन के पास, तो अब ये बात है बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक अगले चुनाव में भी होगा. इसलिए कुछ कहा जा रहा है कि मैसिव चेंजेस करने की जरूरत है और इसी की बात लगातार हो रही है और इसीलिए सरकार और संगठन में इस तरह की खींचतान दिखाई दे रही है. All right, Vinod, thank you very much for getting us the details. We'll keep coming back to you for more on this.